तो बुधवार की ताजा हिंसा के बाद कोलंबो में तनाव भारी है। तमाम अहम इमारतों पर हथियारबंद सैनिक तैनात किए गए हैं। लोगों के मूड पर नजर रखी जा रही है। पीएम हाउस से लेकर राष्ट्रपति भवन के भीतर अर्पिता प्रदर्शनकारी शांत तो दिखाई दे रहे हैं, आपने इस रिपोर्ट में भी देखा होगा, लेकिन कब वो फिर मोर्चा संभाल लेंगे ये कोई नहीं जानता। बुधवार की इस हिंसा ने श्रीलंका के हालात को और भी बदतर कर दिया था। यहां की जनता रानिल विक्रमसिंघे के कार्यवाहक राष्ट्रपति पद संभालने से भी खुश नहीं है। लगातार विरोध हो रहा है। बुधवार को जनता की बगावत और हिंसा की सारी हदें पार होती दिखी। अब आपको आज सुबह के हालात दिखाते हैं। कोलंबो में तनाव भरी शांति है। जगह जगह सुरक्षा बल मुस्तैद दिख रहे हैं। ये संसद की ताजा तस्वीरें हैं। कल भी प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन परिसर के भीतर घुसने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे थे। इकलौता संसद भवन ही है जो अब तक प्रदर्शनकारियों से बचा हुआ है। यहां भारी तादाद में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। और ये श्रीलंका का पीएम हाउस है, यहाँ भी प्रदर्शनकारी जमे हैं। पूरे परिसर के भीतर जगह जगह लोग बैठे हैं। हालांकि सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम है, लेकिन सैन्यकर्मी लोगों को जबरन बाहर करने की जगह खामोश खड़े हैं। सुबह की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पीएमओ की है, प्रधानमंत्री कार्यालय की, कोलंबो में। अब यहाँ कल प्रदर्शनकारी जब पहुंचे, आज उनका यहाँ पर भी जमावड़ा है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय के लॉन में तमाम सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ऐसा नहीं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ये जरूर है कि यहाँ पर कोई चीजों की तोड़फोड़ नहीं हुई, किसी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ महिलाएं बैठी हैं प्रदर्शनकारी, उनके ठीक आगे सेना खड़ी है। और कल जो एक दूसरे के साथ हिंसक झड़प में थे, कन्फ्रंटेशन हो रहा था, आज वो सब मिलजुल कर यहाँ पर बैठे हैं। दूसरी तरफ भी इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने की कोशिश पुलिस, सशस्त्र बल या सेना भी नहीं कर रही। हालांकि बीती रात कुछ कोशिशें हुई थी, लेकिन अब जाकर के आज सुबह अगर आप कुछ देख पाएंगे तो वो शांति और जितनी सबसे बड़ी संस्थाएं हैं जहां से देश चलता है, उन तमाम जगहों पर, क्योंकि ये कोई आवास नहीं, ये कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि अपने आप में एक संस्थाएं हैं। और अब इन जगहों पर अगर आप कुछ देखेंगे तो वो है प्रदर्शनकारियों का कब्जा। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर की जो तस्वीर है उसमें बड़ी संख्या में जो कमांडो है उनको लगाया गया है, पुलिस है, सेना है, एयरफोर्स के जो जवान है, इन सबको लगाया गया है। वो इसलिए कि कानून व्यवस्था खराब ना हो। कोलंबो में कल जिस जगह पर जबरदस्त हिंसा हुई थी वहाँ अब सन्नाटा है, लेकिन चप्पे चप्पे पर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। शांति तो है, लेकिन यकीन नहीं कि कब तक ये शांति बनी रह पाएगी। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के बीच सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान है तो वो है श्रीलंका की जनता का। हम जिस पेट्रोल पंप पर हैं, दरअसल यहीं पर गैस की सप्लाई भी होती है, रसोई गैस जो कि हर घर की जरूरत होती है। ये तमाम सारे सिलेंडर जो लाइन लगी है, ये बहुत लंबी लाइन है। अमूमन आप कभी भी कि दुनिया के किसी देश में ऐसी किल्लत नहीं देखेंगे, और ये असाधारण परिस्थिति है। ये तमाम सारी महिलाएं
सप्ताह में एक दिन गैस आता है और ये लंबी लाइनें कई बार दो दिन तीन दिन चार दिन और भी इस चिलचिलाती गर्मी में उमस के बीच यहाँ खड़े हैं इस उम्मीद में कि जब सप्लाई आएगी तो इनको गैस मिलेगा। अब समस्या ये हुई है कि गैस अगर खाली है तो घर का खाना नहीं बन सकता। वैसे ही इसमें दूसरे देशों के मुकाबले जो सिलेंडर काफी छोटा है। पेट्रोल पंप पर ये पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद है क्योंकि यहाँ डीजल पेट्रोल की सप्लाई नहीं है। अब ये जो सिलेंडर के लिए यहाँ पर जब गाड़ी आएगी तो इन्हें मिलेगा, लेकिन ये तय नहीं है कि वो गाड़ी आएगी या नहीं, इसलिए कई लोग रोज वापस चले जाते हैं। उसका असर ये हुआ है कि लोग मिट्टी का तेल इस्तेमाल करने लगे हैं, जो संपन्न है वो इंडक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं है वो लकड़ी जला करके खाना बनाने लगे हैं। ये आम आदमी की परेशानी है श्रीलंका में। श्रीलंका में आज सुबह 5 बजे से इमरजेंसी लग चुकी है। सेना पर हालात संभालने का दारोमदार है, लेकिन सेना भी जनता के गुस्से को समझकर हमदर्दी वाला रुख अपना रही है। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन लोग अब भी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। पेट्रोल पंपों के बाहर कतारें लगी हैं। पेट्रोल डीजल और गैस का भारी संकट है। सुरक्षा कर्मियों को पेट्रोल पंपों की निगरानी करनी पड़ रही है। गैस की भी भारी दिक्कत है। लोग गैस एजेंसियों के बाहर मायूसी से बैठे हैं। श्रीलंका का ये सन्नाटा ना उम्मीदी बयान कर रहा है। सवाल ये है कि कब ये अनिश्चितता के बादल छटेंगे और समंदर किनारे के इस खूबसूरत से देश में नया सूरज उगेगा। कोलंबो से प्रमोद माधव के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक।